भरा भंडारा, लोकसभा में कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी हार, राष्ट्रवादी और भाजपा आमने सामने। हमारे खास कार्यक्रम चाय की चौपाल में देश की राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा। चार वर्षों में केंद्र सरकार ने क्या खोया और क्या पाया, देश में नोटबंदी क्या जरूरी थी या नहीं, देश विकास की राह पर खड़ा है, देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज की चाय की चौपाल। इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, एमएनएस न्यूज की टीम गोंदिया भंडारा जिले के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के अंतर्गत हमारी टीम पहुंची है गोंदिया में। तो देखते आइए चाय की चौपाल सीधे गोंदिया से। चाय की चौपाल, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गोंदिया में। हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे क्या है लोकसभा चुनाव के रुझान। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमारे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द मैसेज करें और जुड़े हमारे साथ, ताकि हम कर सके आपसे बातचीत। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम में चाय की चौपाल। आपने देखा हमारा साथ गोंदिया के कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे क्या है रुझान 2018 लोकसभा चुनाव के। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं गोंदिया नगर के वासी। हम इनसे जानेंगे और मिलेंगे और बातचीत करेंगे चाय की चौपाल इस कार्यक्रम में। आज भारत सरकार बहुत से अच्छे अच्छे काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपकी पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है? सरकार तो अच्छी है भैया, लेकिन क्या है, अपने बेरोजगारी के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बीजेपी सरकार आई ठीक है, उसके बाद भी कई नोटबंदी की जरूरत भी नहीं थी, वहाँ पर भी हो गया। ऊपर से आज बेरोजगारी के लिए ख्याल रखना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। आज अपने समाज में बहुत सारे लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे है, प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरा पहला सवाल ऐसा था कि चार साल हो चुके हैं हमारे सरकार को बन के। जी हाँ, ठीक है। इस चार सालों में सरकार ने क्या खोया है और क्या पाया है, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। सर, चार साल के इसमें सरकार ने तो मेरे ख्याल से तो ये नोटबंदी कर रही है, का जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ पर भी ये GST भी लग गया समझो, और बेरोजगारी भी ज़्यादा हुई है, पढ़े लिखे लोग बेचारे प्राइवेट काम करते, जॉब नहीं मिलता। जी नमस्कार, हम चाय की चौपाल इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में और जानेंगे क्या है आपके विचार। तो आप मुझे बताइए, कुल मिला के चार साल हुए हमारे सरकार को, इस चार साल के दौरान में सरकार ने क्या खोया है और क्या पाया है? खोया कुछ नहीं, पाया है जनता ने। सबसे बड़ी चीज़ ये, जो पुरानी जो योजनाएँ थी बरसों की पड़ी हुई, वो आज चालू हो गई। गोंदिया जबलपुर लाइन जो हमारी 20 साल से पड़ी हुई थी, अभी प्रगति पे अगला साल चालू हो जाएगी। जो पूरी सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, ठीक है, उसके अंतर्गत नोटबंदी एक ऐसा जो कुछ दिन पहले चालू हुआ था, उस नोटबंदी के अंतर्गत क्या नोटबंदी जरूरी है ऐसा आपको लगता है? हर चीज़ जरूरी है। नोटबंदी जरूरी इसलिए है कि जो बड़े नोट थे और जो भ्रष्टाचारियों के पास पड़े हुए थे, वो बैंक में चलन में आ गए। जो पूरे जो नोट थे चलन में, वो पूरे नोट बैंकों में आके जमा हो गए। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि मोदी जी अपने जैकेट के हिसाब से उन्होंने अपने नोट की क्रिएशन की है, तो इस बारे में क्या बोलना है? 65 साल से तो इतनी क्रिएशन हुई, तो चार साल में क्या कर लेगा मोदी जी? 65 साल से जो नोटों की क्रिएशन चालू है नेताओं से, तो चार साल में क्या कर लिया होगा? मेरा सवाल आपसे ऐसा है कि आपने देखा सरकार को चार साल हो गए, सरकार अलग अलग अपने ऊपर कम लगा रही है, चला रही है, इस अंतर्गत क्या लगता है आपको, देश आज किस राह पे खड़ा हुआ? देश बढ़ रहा है, खड़ा नहीं है। जो 65 साल से जाम हो गया था, वो चलने लगा। आप कम से कम आज हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में इसका नाम है कि हिंदुस्तान कोई चीज़ है। बहुत अच्छी बात आपने बोले कि देश चल नहीं रहा, देश खड़ा नहीं है, देश चलने लगा है, चल रहा है। अरे, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि देश दौड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरा आपसे आखिरी एक ऐसा सवाल है कि आज जब हम प्रगति के इस दौर पे खड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लगता है आपको देश की दिशा और दशा क्या है? दिशा भी अच्छी है, उज्ज्वल है, और दशा बहुत अच्छी चल रही है, और देश इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। 5 साल किसी चीज़ को देने के लिए 5 साल और चाहिए। फायदे और नुकसान इनकी समीक्षा की जा सकेगी, समीक्षा की जा सकेगी, है ना। लेकिन उससे पहले, 5 साल होने से पहले कुछ बोलना किसी सरकार के मामले में, ये चीज़ कहीं लागू नहीं पड़ती, है ना। हम मिलेंगे हमारे तीसरे प्रतियोगी से और जानेंगे
क्या है लोकसभा चुनाव के रुझान? जी आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपका नाम? अनिल किरनापुरा जी। अनिल जी आप मुझे बताइए कि सरकार कुल मिलाकर 4 साल हो गए, इन 4 सालों में सरकार ने अनगिनत उपक्रम चलाया, बहुत सी चीजें अच्छी हैं, है ना, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने तो अपनी मोनोपोली चलाई है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 4 साल सरकार को हो चुके हैं, ठीक है ना, 4 साल सरकार ने, इसमें सरकार ने क्या खोया और क्या पाया? सरकार ने तो अभी तक क्या जो 4 साल के अंदर में अपनी मोनोपोली चलाई है सरकार ने जो भी की, अच्छे भी काम की, बुरे भी काम किए, और जो बीजेपी सरकार है वो हिंदुत्व के आधार पर लड़ती है, और कांग्रेस सरकार भी जातिवाद का ही फंडा दोनों पार्टियां अपनाते हैं, ना तो कांग्रेस को अपन दोष दे सकते हैं ना बीजेपी को, जातिवाद तो दोनों ही पार्टी लड़ती है। कोई बात आपने बोली, कोई कोई मुसलमान एससी समाज को लेकर के लड़ता है तो कोई हिंदुत्व को लेकर के लड़ता है, पार्टियां तो दोनों ही समाज, दोनों पार्टी जातिवाद को लेकर के लड़ती है। बहुत चीज़ आपने, बहुत अच्छी बात आपने बोली, जातिवाद, क्या लगता है जातिवाद जो है इसके मायने क्या है, क्या है जातिवाद आप मुझे बताइए? वही बीजेपी हिंदुत्व के तरफ लड़ती है और कांग्रेस मोमेडियन एससी के तरफ से लड़ती है। क्या ऐसा बताया जा सकता है कि बिना जातिवाद के और ये जो इलेक्शन होना चाहिए इसके बाद में, ये खुला ओपन इलेक्शन होना चाहिए, जातिवाद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, आपने देखा कि नोटबंदी का एक बहुत ही दौर आया हुआ था, तो क्या लगता है आपको नोटबंदी क्या जरूरी थी? नोटबंदी हुई नहीं, नोट बदली हुई है, नोटबंदी नहीं हुई है, और उसमें बहुत लोग कमजोर भी हुए हैं नोट बदली होने से। आपने देखा हमारे साथ गोंदिया के कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम और भी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे क्या है लोकसभा चुनाव 2018 के रुझान। 2018 लोकसभा चुनाव के लिए हमारे साथ हमारे इस चाय के चौपाल इस कार्यक्रम के चौथे प्रतियोगी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे क्या है रुझान। जी सबसे पहले आपका नाम? राजेंद्र मिश्रा, मेरा नाम राजेंद्र जी। राजेंद्र जी देखा जाए सरकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, जिस सरकार को आप बनाते हैं, जिस सरकार को आप अपने बहुमूल्य वोट से जिताते हैं, ठीक है, उस सरकार की हम आपसे बातचीत करेंगे। कुल मिला के 4 साल हुए हमारे सरकार को, इस 4 सालों में हमारे भारत की सरकार ने क्या खोया है और क्या पाया है, क्या लगता है? देखिए बात ऐसी है, कांग्रेस ने 70 साल राज किए, जनता भी चाहती थी कि भाजपा कुछ अच्छा कार्यक्रम करे, परिवर्तन चाहती थी, उस पर पूरा निर्भर यानी बहुमत से उसको वोट दिए, किंतु 4 साल में आज की स्थिति बेरोजगारी, ना मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, जो छोटे से वर्कर बड़े वर्कर तक परेशान है। एक जैसे आप बोल रहे परेशानी 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 चारों तरफ परेशानी की एक आपने बोला है, तो एक चीज़ मैं आपको चाहूँगा, नोटबंदी जो एक चीज़ हुई थी हमारे देश में, क्या लगता है आपको नोटबंदी ये बहुत ज़्यादा जरूरी? देखिए गवर्नमेंट का ये फंड आता है कि काला धन वो बाहर निकाला जाए, काला धन सभी छोटे वोटे वर्ग के पास नहीं है, अगर काला धन नोटबंदी करना ही था तो बड़े बड़े उद्योगपति है जो भ्रष्टाचार किए हैं, जिनके पास काला धन है, वो अगर उसको फायर करते, सीबीआई लगा के वो बाहर निकाला जाता तो नोटबंदी सफल होती। चीज़ें बहुत अच्छी बोली आपने, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कांग्रेस के समय में सर्जिकल स्ट्राइक नाम की कोई चीज़ आपने देखी नहीं थी, आज हमारे सरकार के अंतर्गत सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान जैसे देश जो हमारे देश पे चढ़ाई करते थे, रह रहे के बॉम्ब सारी चीज़ें करते थे, आज डरे हुए बैठे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक इसका मायना अलग होता है, अब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से अगर नोटबंदी करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए, जब होगा सर्जिकल स्ट्राइक की रोजगार मिले नौकरी वालों को, बेरोजगारों को नौकरी मिले, मजदूर लोगों को मजदूरी मिले, ट्रांसपोर्ट लाइन से उनका जो आज के तारीख में हर व्यक्ति आज मजदूर आज हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति नागरिक परेशान है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक दो शब्द में बताइए सरकार के बारे में आपके विचार, दो शब्द में। देखिए सर सरकार आज के तारीख में तो मुझे लगता है व्यक्ति के समाज के हुक्म से, क्योंकि ये लोकशाही राज्य लोकशाही के माध्यम से चलना है, ये जनता का राज्य, जनता ने वो सरकार बनाई, जनता की सोचना चाहिए, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन लोकशाही राज्य खत्म हो चुका है, हुकुमशाही राज्य तैयार होने की दशा में है। लोकशाही राज्य खत्म हो चुका है और हुकुमशाही राज चालू हो चुका है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। हमारे साथ आपने देखा हमारे चौथे प्रतियोगी, इनका यही कहना यहाँ पे हमारे साथ में आया है, हम अपने पांचवे प्रतियोगी से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या है लोकसभा चुनाव 2018
के रुझान जी, आप मुझे बताइए सबसे पहले तो आपका नाम? अनिल अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। जी, आपने बताया भारतीय जनता पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छी बात है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था जी। चलिए, सरकार आपकी, हाँ सारी चीज़ें आपके सारी चीज़ें चल रही हैं, चार सालों से सरकार हमारे साथ में है, क्या लगता है आपको सरकार ने इस चार साल के दौर में क्या खोया और क्या पाया है? सरकार बहुत अच्छी है, सरकार लोगों को समझ नहीं पा रही है, और लोगों के बहुत अच्छे दिन आएंगे आने वाले समय में, और अच्छे दिन आएंगे। और जो लोग सोच रहे कि हमारे दिन खराब आ रहे हैं, लोगों का खराब दिन नहीं आ रहे, लोगों को बहकावा जा रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बहकावे में नहीं आना चाहिए लोग, और लोग हमारे यहाँ से अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने जैसा जिस प्रकार से बोले 2018 के अंदर में लोकसभा चुनाव हमारे विधायक हेमंत भाव पटले चुनाव लड़ रहे खासदार का, वो हमारे मित्र रह चुके हैं, वे हमारे विधायक थे, अभी वो खासदार का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो चुनाव जीत के आएंगे और अच्छे बहुमतों से चुनाव जीत के आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, हाँ अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें, हाँ अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, नोटबंदी जो हुई थी हमारे देश में, इससे अच्छे दिन किसके आए, क्या लगता है आपको नोटबंदी जरूरी थी? नोटबंदी में तो पैसे वालों के अच्छे दिन आए, गरीब लोगों में तो अच्छे दिन नहीं आए। जैसे सरकार ने बोले कि नोटबंदी से गरीब आदमियों के अच्छे दिन आएंगे, गरीब आदमियों को 12 रुपये लाएंगे, पैसे वालों को 12 रुपये लाएंगे, किसी को अच्छे उसे फर्क नहीं पड़ा है। अब पैसे वालों को ही अच्छे दिन आए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सबके अच्छे दिन आए, किस बाकी किसी के अच्छे दिन नहीं आए। ये बोल सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से है तो आपके भी अच्छे दिन आ गए? नहीं, हम अच्छे दिन तो है ही ना हमारे, हम तो शुरू से बोले हम अच्छे दिन है, अच्छे दिन चलेंगे और अच्छे दिन है। चलिए, हाँ मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि सरकार इतने अच्छे से काम करे, अच्छे दिन आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, हमारे नागरिकों के अच्छे दिन आ रहे हैं, ओके, उसके बाद क्या लगता है आपको चार साल की सरकार के बाद आज सरकार किस राह पे खड़ी है? सरकार किस राह पे खड़ी है? सरकार अच्छी राह पे खड़ी हुई है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आएंगे, अच्छी ज़्यादा बहुमतों से चुनाव जीत के आएंगी, और उसके बाद में अभी जो लोगों को समय जो लग रहा है कि खराब चल रहा है, और बहुत अच्छा समय आएगा भारतीय जनता पार्टी, और फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी जी, हाँ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सारी हाँ, चीज़ें हैं, ओके, हाँ, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको इन सालों में जब एक नए नए काम, नए नए उपक्रम, नई नई सारी चीज़ें जब चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या रहेगी हमारे देश की दिशा और दशा? नहीं, नए नए जो आप जैसा जो पूछ रहे हो कि नए नए जो कार्यक्रम हो रहे हैं, नए नए उद्देश्य आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा गरीब लोगों के लिए आए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि गरीब लोगों को काम मिले, जिनसे लोग ज़्यादा बहके हुए हैं कि लोग अच्छे पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी पकौड़ा बेच रहा है, चाय बेच रहा है, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, लोगों ने मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। चाय 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 की बात से मुझे याद आया, चाय बेचने वाले आज हमारे देश के पंत प्रधान हैं, बराबर अच्छे दिन शायद उनके ही आए, है ना। हम अपने और भी लोगों से मिलेंगे गोंदिया के, और जानेंगे क्या है रुझान लोकसभा चुनाव के। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम चाय के चौपाल में हमारे छठे प्रतियोगी यहाँ मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है रुझान। जी, सबसे पहले आपका नाम? मोहन पवार, टीआरपी न्यूज़ का संपादक हूँ, रायपुर भास्कर से का प्रतिनिधि हूँ, रायपुर एडिशन जो है ना दैनिक भास्कर का, उसका प्रतिनिधि हूँ। और आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या लगता है आपको चार साल हो चुके हैं हमारे सरकार को, इस चार साल के दौर में सरकार ने क्या खोया और क्या पाया? क्या खोया क्या पाया तो हर आदमी की अलग अलग वो है, पर कुल मिला के मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की सब जल्दबाजी में की, उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुए। मेरा सवाल आप सुनिए, नोटबंदी क्या जरूरी थी? नोटबंदी जरूरी बिल्कुल नहीं थी, इसके पहले भी कांग्रेस के जमाने में नोटबंदी के प्रस्ताव आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे वित्त मंत्री रहे। सबसे बड़ी बात है कि 2004 में जब एकदम भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह बिगड़ी थी, उस अर्थव्यवस्था को उनने लाइन पे लाया। इतने सरकार के इतने काम के बाद आज चार साल के बाद सरकार किस राह पे खड़ी है ऐसा आपको लगता है? सरकार तो अभी कन्फ्यूज्ड है। कैमरामैन लोकेश और योगेश के साथ मैं रितेश वाजपेयी गोंदिया से MNS न्यूज़ के लिए।